नमस्कार, आप देख रहे हैं महाराष्ट्र टीवी 24। मैं हूं रिंकू और आज नजर डालेंगे खबर महाराष्ट्र में 6 बड़ी खबरों पर। लेकिन खबरों के पहले जान ले महत्वपूर्ण हेडलाइंस। ठाकरे गुट को फिर बड़ा झटका, शिंदे गुट में शामिल हुए 2 और नेता। लव जिहाद का मामला, युवती को उठाकर ले गया आरोपी। बुलेटिन की शुरुआत में जानेंगे खबर महाराष्ट्र के मुंबई से। शिंदे गुट की ओर से ठाकरे गुट को एक और बड़ा झटका लगा। शुक्रवार को ठाकरे गुट के 2 पूर्व नगर सेवक अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ शिंदे गुट में शामिल हो गए। मिली जानकारी के मुताबिक कांदिवली बीएमसी वार्ड नंबर 28 के नगर सेवक एकनाथ हुंडारे और पूर्व नगर सेवक गणेश भंडारी शिंदे गुट में शामिल हो गए। बता दें कि वह थाने में मेयर आवास परिसर में आयोजित एक कार्यक्रम में शिंदे समूह में शामिल हुए। इसे ठाकरे गुट के लिए एक और बड़ा झटका माना जा रहा। मुंबई से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। गोवंडी के शिवाजी नगर इलाके में 4 दोस्तों ने बर्थडे पार्टी में एक युवक की हत्या कर दी। 18 वर्षीय साबिर अंसारी ने अपने दोस्तों को 10,000 रुपए खर्च करने के लिए दिए थे। साबिर ने जन्मदिन के लिए पैसे इकट्ठा किए थे, लेकिन जब साबिर ने अपने दोस्तों को पैसे वापस मांगे तो उन्होंने बिना पैसे लौटाए साबिर की हत्या कर दी। इस मामले में शिवाजी नगर थाने में मामला दर्ज कर पुलिस ने 2 नाबालिगों को हिरासत में लिया। नागपुर शहर के बुटीबोरी नगर के नेशनल हाईवे से लगकर राजनयन पेट्रोल पंप पर शुक्रवार की शाम करीब 8 बजे डीजल भरते समय 2 ट्रकों में आग लग गई, जिसने देखते ही देखते रौद्र रूप धारण कर लिया। सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ियां तत्काल घटनास्थल पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद कुछ समय में आग पर काबू पा लिया गया। जानकारी के अनुसार राजनयन पेट्रोल पंप पर 2 ट्रकों में डीजल भरवाया जा रहा था। इसी बीच एक ट्रक में अचानक आग भड़क गई। इससे पेट्रोल पंप के कर्मचारियों एवं लोगों में अफरा तफरी मच गई। देखते ही देखते आग और भड़कने लगी। आग लगने के बाद ट्रक के टायर भी फटने शुरू हो गए। इससे वहां पास खड़े दूसरे ट्रक में भी आग लग गई। इतना ही नहीं, आग ने पेट्रोल पंप की एक मशीन को भी अपने चपेट में ले लिया। घटना की सूचना मिलते ही घटनास्थल से काफी दूर लोगों की भीड़ जमा हो गई। आग लगने का स्पष्ट कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है। देर रात तक वहां बुटीबोरी पुलिस एवं दमकल कर्मी मौजूद थे। बुलेटिन में वक्त हो चला एक ब्रेक का। खबरों का सिलसिला जारी रखेंगे ब्रेक के बाद। इस खबर के प्रायोजक है शिवशंकर आयुर्वेदिक क्लिनिक, अनुभवी डॉक्टर से सज्ज, सभी प्रकार के आयुर्वेदिक दवाइयाँ मिलने का एकमात्र स्थान। इनका पता शिवशंकर आयुर्वेदिक क्लिनिक, डॉक्टर मंगला केतकर हॉस्पिटल के सामने, महाजन मार्केट के पास, टेंपल बाजार रोड, सीताबर्डी, नागपुर। ई रिक्शा ने हमारी रोजमर्रा की जिंदगी काफी आसान कर दी है। अब ऐसे में परफेक्ट मोटर्स ने लाया है बैक्सी ई रिक्शा, जो सिर्फ सफर करने वालों की ही नहीं बल्कि सफर के लिए सारथी की भी जिंदगी आसान कर दे। बैक्सी, भरोसा जीत का। अब परफेक्ट मोटर्स में ई रिक्शा के साथ साथ लोडिंग व्हीकल पर 10-15% की छूट। पहले आए पहले पाए, वो भी बिना पेट्रोल बिना प्रदूषण। परफेक्ट मोटर्स बैक्सी ई रिक्शा, ई लोडिंग व्हीकल उपलब्ध, लाइफ टाइम सर्विसिंग, लेबर चार्जेस बिल्कुल मुफ्त, अनुभवी टेक्नीशियन, बैंक फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध, आपके खुद के इनकम पर लोन सुविधा भी उपलब्ध। अधिक जानकारी एवं बुकिंग हेतु आज ही संपर्क करें 0712-299-9588। हमारा पता परफेक्ट मोटर्स, रानी दुर्गावती चौक, बैंक ऑफ बड़ौदा के पास, नागपुर। जब कुछ न समझ आए और कुछ नया खाने का मन हो जाए तो आइए पवन भोजनालय। पवन भोजनालय, कम दाम में स्वादिष्ट खाना, खाना ऐसा जो मन भर दे। पवन भोजनालय, मटन करी चिकन करी के साथ साथ अब शुद्ध शाकाहारी भोजन, वो भी भरपेट। तो यदि आप स्वाद की तलाश कर रहे हो तो आपकी तलाश अब हो गई पूरी। पवन भोजनालय, 200 लोगों की बैठने की व्यवस्था, साथ ही चूल्हे पर तैयार किया भोजन, बर्थडे पार्टी किटी पार्टी के लिए सबसे अच्छा होटल पवन भोजनालय। 3 ब्रांच, हमारा पता एमआरडीसी हिंगना रोड, सेंट जेवियर्स के पीछे, बंसीनगर चौक, यशोदा नगर, राज स्कूल के बाजू। एक बार अवश्य पधारे और स्वादिष्ट भोजन का आनंद ले। भरपूर पार्किंग व्यवस्था। सेंट्रल प्रोविंशियल स्कूल एंड जूनियर कॉलेज, शिक्षा पाए अब संस्कार के साथ। डे डे बोर्डिंग एंड रेसिडेंशियल स्कूल फैसिलिटीज, लाइब्रेरी, लेबोरेटरीज, कंप्यूटर रूम, डिजिटल क्लासरूम्स, म्यूजिक,
वोकल एंड इंस्ट्रूमेंटल, डांस, क्लासिकल एंड वेस्टर्न, स्पोर्ट्स, इंडोर एंड आउटडोर। सेंट्रल प्रोविंशियल स्कूल एंड जूनियर कॉलेज, 38 वेड़ाहरे, आउटर रिंग रोड, पोस्ट बेसा, नागपुर। अवर ब्रांचेस एट रामेश्वरी एंड वेड़ाहरी। कॉन्टेक्ट नंबर 7276066999 and 7276055999। सेंट्रल प्रोविंशियल स्कूल एंड जूनियर कॉलेज। गंजेपन, गंजेपन एक समस्या। क्या आप गंजेपन से छुटकारा पाना चाहते हो? तो आइए साई नेचुरल ब्यूटी केयर। गंजेपन से छुटकारा केवल 1.5 से 2 घंटे में। विदेश की टेक्नोलॉजी अब भारत में। अमेरिकन नॉन सर्जिकल हेयर रिप्लेसमेंट सेंटर। कंप्लीट हेयर वॉशेबल, हेयर वीविंग, बॉन्डिंग, टैटू एंड पियर्सिंग सेंटर। परमानेंट एंड टेम्पररी टैटू। साई नेचुरल ब्यूटी केयर। मिस्टर विनोद जमदाडे, 9552333129 एंड 9226210293। आवर ब्रांच, शॉप नंबर 114 सदोदय प्लाजा नियर पोदारेश्वर राम मंदिर सीए रोड नागपुर एंड हरि अर्चना कॉम्प्लेक्स ब्लॉक नंबर 49 ऊटखाना रोड मेडिकल स्क्वायर नागपुर। ब्रेक के बाद स्वागत। आइए नजर डालेंगे बाकी के अहम खबरों पर। नासिक शहर में लव जिहाद का एक सनसनीखेज मामला दर्ज हुआ। यहाँ के जिले के निफाड़ तालुका में रहने वाली 18 साल के निकिता नाम के एक हिंदू लड़की को उसी के इलाके में किराने की दुकान चलाने वाला विवाहित रईस सैयद जबरन गाड़ी में बिठाकर बीते 27 मई को फरार हो गया। वही मामले पर पीड़िता ने पुलिस को दिए बयान के अनुसार रईस शादीशुदा और एक बच्चे का बाप है, लेकिन इसके बावजूद लगातार उसे परेशान करता था। इतना ही नहीं, आरोपी पीड़िता को हमेशा यह कहकर परेशान करता था कि वो उसे बहुत पसंद करता है और उससे कैसे भी शादी करना चाहता है। आरोपी युवक ने कई बार युवती की मां को फोन पर भी कॉल कर ऐसी अनेकों धमकियां दी और मैसेज भी किए थे। इसी बीच बीते 27 मई को पीड़िता निकिता जब कंप्यूटर क्लास को जा रही थी तो उस आरोपी ने जबरन अगवा कर अपने साथ उठा ले गया। जानकारी के अनुसार आरोपी निकिता को अगवा कर सीधे अजमेर ले गया, वहां दर्शन कर फिर तारागढ़ दरगाह भी उसे ले गया। आरोपी मुंबई पहुंचकर थाने के अंबरनाथ में अपनी बहन के घर गया, जहां अंबरनाथ पुलिस ने फिर रईस सैयद को हिरासत में ले लिया, जिसके बाद मौके पर नासिक की निफाड़ पुलिस भी पहुंच गई और उसने आरोपी को अपने कब्जे में ले लिया। महाराष्ट्र के दबंग प्रशासनिक अधिकारी कहे जाने वाले तुकाराम मुंडे का एक बार फिर तबादला कर दिया गया। उन्हें मुंबई में मंत्रालय में मराठी भाषा विभाग के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया। इसके अलावा सुधाकर शिंदे को मुंबई के अतिरिक्त नगर आयुक्त का प्रभार दिया गया। एक महीने में ही मुंडे का फिर तबादला हो गया। मुंडे समेत 20 IAS अफसरों के तबादले के आदेश जारी कर दिए गए। जानकारी के अनुसार तुकाराम मुंडे का पिछले 16 साल में 20 बार तबादला हो चुका है। दरअसल मुंडे को उनके पहले तबादले के बाद कई महीनों तक नियुक्त नहीं किया गया था। हालांकि 3 मई को राज्य सरकार ने तुकाराम मुंडे के नाम समेत 10 चार्टर्ड अधिकारियों के तबादले के आदेश जारी कर दिए। सांगली से मिली खबर के अनुसार तेज रफ्तार से कार पलटने से 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। जत तालुका के येलवी में यह भयानक हादसा हुआ। इस हादसे में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल होने की जानकारी है। मृतकों की पहचान दगड़ू शंकर करंडे और सुखदेव खरात के रूप में हुई है। घायल का नाम बापू धोंडी बाशिंदे है। यह सभी सोलापुर जिले के सांगोला तालुका के अभिसेवाड़ी के रहने वाले है। तीनों बेस्ट फ्रेंड थे, मुंबई में कंटेनर ड्राइवर का काम करते थे। चालक ने कार से नियंत्रण खो दिया और कार सड़क के किनारे पलट गई। भीषण हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को इलाज के लिए सांगली के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। आज के खबर महाराष्ट्र में बस इतना ही। खबरों से जुड़ी और जानकारी जानने के लिए देखते रहिए महाराष्ट्र टीवी 24। नमस्कार। इस शादी सीजन पर सचिन लाइफस्टाइल आपके लिए लेकर आया है शादी के लिए कपड़ों की भरपूर वैरायटी। वेडिंग कलेक्शन, किड्स कलेक्शन, लेडीज वेयर, जेंट्स वेयर, नई वैरायटी पर पाए 15% तक का डिस्काउंट। तो हो जाइए तैयार इस शादी सीजन के लिए सचिन लाइफस्टाइल के साथ। और अब हमारी शाखा उपलब्ध है सचिन एंटरप्राइजेस रामेश्वरी नागपुर।
हमारा पता शताब्दी चौक बेलतरोड़ी रोड रामनगर नागपुर। Aspire International School, Nagpur has been dreaming with aspiration since its inception, and we are marching forward with a big bang in our ventures. Our school has all the amenities for sports, laboratory for languages, maths, science and IT lab, playway methods, engaging activities and moral values are the basis of our procedure. Value-based teaching in incorporation of morals are the gist of our curriculum. जर तुम्हाला निसर्गरम्य वातावरणाचा आनंद घ्यायचा असेल आणि काही क्षण आपल्या परिवारातील सदस्य किंवा मित्रांसोबत निवांतात घालवायचे असेल तर आमच्या श्यामलीला ॲग्रो टुरिझम अँड रिसॉर्टला नक्की भेट द्या। अगदी माफक दरात फक्त 700 रुपयात तुम्ही तुमचा दिवस आनंदात घालवू शकता। प्रति व्यक्ती तुम्हाला 700 रुपये प्रमाणे श्यामलीला ॲग्रो टुरिझम अँड रिसॉर्ट कडून वैशिष्ट्यपूर्ण सेवा मिळेल। पर्यटकांचे पारंपरिक पद्धतीने स्वागत, चहा नाश्ता, चुलीवरचे शाकाहारी मांसाहारी जेवण, मुक्कामी राहण्याची उत्तम व्यवस्था, लहान मोठ्यांसाठी खेळणी पार्क, शिवार फेरी, पारंपरिक पद्धतीने तयार होणारे कच्ची घाणी तेलापासून तयार केलेल्या भाज्यांचा स्वाद अनुभवता येईल, ऑर्गॅनिक भाजीपाला, फळबाग आणि त्यांची विक्री, नवनाथ आश्रम दर्शन, कोलार जलाशय फेरफटका, बिझनेस संधी, बेरोजगार व शेतीकरिता ट्रेनिंग, वाढदिवस पार्टी, लग्न, रिसेप्शन करिता बुकिंग शुरू, स्विमिंग पूल, रेन डान्स। अधिक माहिती हवी असल्यास आम्हाला संपर्क करा। सुनील पाल 9021433560। मुक्काम तेलंगखेडी, नवनाथ आश्रम जवळ, पांढुर्णा रोड, तालुका सावनेर, जिल्हा नागपूर।